सो गाइस, काफी सारी डॉग्स ब्रीड ऐसे हैं जिनका नाम जुबान पर ही रहता है क्योंकि वो काफी फेमस है चाहे वो फिर कैसे भी हो। और ऐसे ही डॉग ब्रीड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है पिटबुल। तो गाइस, पिटबुल एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसका नाम हमेशा से ही चर्चा में रहा है, वो फिर चाहे अच्छे में हो या फिर बुरे में। वैसे गाइस, चाहे कुछ भी हो, इस ब्रीड का क्रेज अलग ही लेवल का है। लोग इन्हें परचेज करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। वैसे आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी इन पपीज को परचेज करना चाहोगे क्योंकि भाई पपीज की क्वालिटी ही कुछ ऐसी है और प्राइस बहुत ही रीजनेबल जिसे आप में से हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ओनर के पास ये दो ही पपीज अवेलेबल है एंड दोनों ही काफी अच्छी क्वालिटी में है। एंड कलर की बात करें तो पपीज ब्लैक कलर में है। तो आप में से जो लोग भी ब्लैक कलर का पिटबुल मेल पपी परचेज करना चाहते हो तो आप लोग इन पपीज को परचेज कर सकते हो क्योंकि गाइस ये दोनों ही पपीज मेल है, फीमेल ऑलरेडी सेल हो चुकी है। वैसे दोस्तों, पिटबुल एक काफी मस्कुलर एंड पावरफुल डॉग ब्रीड है और ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए थोड़े अग्रेसिव होते हैं। तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपके पिटबुल किसी दूसरे जानवर के ऊपर अटैक करें तो आप लोग बचपन से ही उन्हें अच्छे से सोशलाइज कराएं सभी एनिमल्स के साथ। वैसे पिटबुल ह्यूमंस के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी अग्रेसिव हो सकते हैं, बट वो तब जब आप लोग इन्हें अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन नहीं करोगे। वैसे भाई, पिटबुल एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है और ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो अगर आप लोग इनके एनर्जी स्टॉक को खत्म नहीं करोगे तो वो चीज इनकी अग्रेशन में बदल जाती है। तो इन्हें कम से कम 30 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कराएं। एंड ज्यादातर पिटबुल इसलिए अग्रेसिव होते हैं कि भाई उनके जो ओनर्स हैं वो उन्हें हमेशा बांध के रखते हैं। तो ऑब्वियसली पिटबुल जैसी डॉग ब्रीड में अग्रेशन आ जाएगा। तो हमेशा आप लोग अपने पिटबुल को अपना टाइम दें और उन्हें अर्ली ऐसे ही बताएं कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। तो फ्रेंड्स, पपीज की क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ पपीज काफी हेल्दी एंड काफी हैवी बोन भी है एंड हेड साइज भी काफी हैवी है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोग कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का पिटबुल परचेज करना चाहते हो तो आप लोग इन पपीज के लिए जा सकते हो। सो गाइस, इन पपीज के साथ साथ मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स से भी मिलवा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इन पपीज के मदर और फादर हैं। दोनों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जो राइट साइड में है वो है पपीज की मदर और जो लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर में वो पपीज के फादर हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन पिटबुल पपीज को परचेज करने के लिए आप लोगों को कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे और कहाँ से आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो पपीज हैं ये 30 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। एंड दोस्तों, डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे बिकॉज ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। आप लोगों को खुद ही ओनर के पास जाकर इन पपीज को परचेज करना होगा और ये ऑप्शन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, प्राइसिंग की बात करें तो पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है और ब्लैक कलर में है। तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 7000 पीस यानी सिर्फ 7000 रुपए। एंड दोस्तों, उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि प्राइस फिक्स है, तो इट मीन प्राइस में आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो। तो आशा करता हूँ पपीज की क्वालिटी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।